वेलकम बैक। ये हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था, और हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेक्रेशंस हैं, वे हार्मोन्स जो हैं, वे डक्टलेस ग्लैंड से निकलते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड से निकलने के कारण उनका ट्रांसपोर्टेशन, जो नलिका तो है नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इन चीज़ों को जरा सा हम समराइज करके आगे बढ़ते हैं एक नए ग्लैंड की ओर। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, इंडोक्राइन इसमें हमने कहा था कि ये डक्टलेस ग्लैंड है। अगर यह डक्टलेस है तो इसका स्राव, सेक्रिशन जो है, इसके भीतर होगा, ठीक है। और एक्सोक्राइन के लिए हमने कहा था कि अगर वह एक्सोक्राइन है तो उसमें डक्ट भी मौजूद है, इसीलिए बाहर की ओर स्राव होगा, यानी कि डक्ट के द्वारा ढोया, डक्ट द्वारा ढोया जाएगा, क्लियर। तो इसे कौन ढोता है, हार्मोन्स को कौन ढोएगा, ये क्लियर था ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी सेक्रेशन है वे हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन्स को ढोने का काम कौन करेगा, रक्त। ये ब्लड द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है, ओके। ब्लड द्वारा यह ढोया जा रहा है। और एक और स्पेसिफिक बात है बाबू, ये खास साइट पर ही काम करेगा। जैसे हमने कहा था ना कि ADH काम उसके हैं किडनी में, वो सेक्रेट हुआ पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी से वह फिर किडनी तक ब्लड द्वारा ढोया गया, लूप ऑफ हेनले में जाकर उसने काम किया, यानी कि ये स्पेसिफिक इसके साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक साइट पर ये जाकर काम करेंगे हार्मोन्स, ओके। तो अब हम आते हैं इस पर कि एक नए ग्लैंड को लेकर, वह ग्लैंड था पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सॉरी पिट्यूटरी तो हमने कर लिया है, वह ग्लैंड है हमारा आइलेट ऑफ लंगर हंस साहब ने इसे ढूंढा, और इसके सारे मैकेनिज्म, सारी इसके फिजियोलॉजी को उन्होंने ढूंढा, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम आइलेट ऑफ लंगर हंस है। देखिए इसका लोकेशन जो है, तो लोकेटेड कहाँ है, तो विद इन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अग्न्याशय के भीतर यह स्थित है, ओके। जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हम बनाते हैं ना, ये ऑइसोफेगस है, ये स्टोमक है, और ये डियोडेनम है, डियोडेनम के इधर हम लीवर बनाते, गॉल ब्लैडर बनाते, ठीक है, और इसे ले जाकर डियोडेनम में खोल देते। इधर अनियमित आकार की संरचना जो है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सबसे बड़ा स्रोत है, दैट इज पैनक्रियाज, ये इसी पैनक्रियाज के भीतर स्थित होता है आइलेट ऑफ लंगरहंस या लंगरहंस की द्वीपिकाएं, क्लियर। ये जो लंगरहंस की द्वीपिकाएं हैं, आप देखिए कि ये पैनक्रियाज के अपने सेल्स हैं, लोब्स, नॉट सेल्स, लोब्स हैं। इन लोब्स के बीच ये छोटे छोटे ये जो ये द्वीप के रूप में स्थित, इसे हम कह सकते हैं कि यह, मैं एक में बना दूं, सभी में नहीं बना सकता, ठीक है, इसे हमने कहा पैनक्रिएटिक लोब, और इनके बीच स्थित ये चीज जो है, ये है आपका, यही है आपका आइलेट ऑफ लंगरहंस, क्लियर। इसे हम कह रहे हैं आइलेट ऑफ लंगरहंस की द्वीपिकाएं, क्लियर। अब यह कि लंगरहंस की द्वीपिकाएं करती क्या हैं, या इनसे स्रावित जो हार्मोन हैं वे हार्मोन क्या करते हैं, क्लियर। तो मैं कहूं कि आइलेट ऑफ लंगरहंस से तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक्चुअली इसमें चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इस
आइलेट ऑफ लंगरहंस के भीतर चार प्रकार की कोशिकाएं हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड सी सेल्स। ओके, ये चार प्रकार की कोशिकाएं, इनमें से सी सेल्स बहुत क्लियर आइडिया नहीं है कि ये क्या इसका फंक्शन है, इसके फंक्शन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस तीन से क्लियर है कि ये अल्फा सेल जो है ये एक खास हार्मोन को सेक्रेट करता है। हार्मोन सेक्रेटेड, अल्फा सेल से क्या निकला? ग्लूकागोन। बीटा सेल से क्या निकला? इंसुलिन। बहुत ही जाना पहचाना इंसुलिन, इंसुलिन जस्ट बहुत ही जाना पहचाना हार्मोन इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स से निकला सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ये तीन प्रकार की कोशिकाएं तीन प्रकार के हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। हम क्लियरली हर कोई जानता है कि इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी होती है। ओके, तो शुगर की बीमारी से जुड़े हुए दो तीन तथ्य हैं जिसे हम देखें। ब्लड में शुगर का बढ़ना, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज्ड, इसे हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ओके, डायबिटीज मेलिटस, क्लियर। ये लेवल बढ़ने को, इसको हम ये कह सकते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब अधिक। ये लेवल घटना, डिक्रीज्ड, तो इसे हम कह सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। आपने सुना होगा कि शुगर पेशेंट का शुगर अचानक घिट जाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ती है या मौत होती है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया का केस होता है। ये हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया, तात्पर्य है कि ब्लड शुगर लेवल का नियंत्रण शरीर में जो करता है उसी में इनके कार्य होते हैं, ग्लूकागोन के, इंसुलिन के और सोमैटोस्टैटिन के। ओके, तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन पे आए हम, क्लियर। इंसुलिन क्या करता है देखिए, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि ब्लड में शुगर की मात्रा घटाता है, बस एक लाइन। ओके, ग्लूकागोन के लिए मैं कहूं ग्लूकागोन ये ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाता है, बस। दूसरी पंक्ति हमने नहीं लिखी। तीसरा हमने कहा सोमैटोस्टैटिन, तो इसका अब तक का जो ज्ञात फंक्शन है यह इनहिबिटर है ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, दोनों के लिए इनहिबिटर का काम करता है, क्लियर। अब आप देखिए, हमने कहा एक शुगर की मात्रा को घटाता है, दूसरा ग्लूकागोन शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। सोमैटोस्टैटिन का इसमें डायरेक्ट फंक्शन या प्रभाव शुगर की मात्रा में हमने नहीं लिखा, हमने लिखा वो उन दोनों का इनहिबिटर है, दोनों ही हार्मोन्स का, यानी कि दोनों ही के लिए वह एक बैलेंस कायम करता है। ओके, तो जैसे कि ब्लड में 110 mg पर dl जो एक लेवल है ब्लड शुगर का फास्टिंग का, वो मेंटेन या खाने के बाद का जो मेंटेन होता है 140-160 जो भी है, ठीक है, वह मेंटेन करना, तो उसमें कितना ग्लूकागोन कितना इंसुलिन, तो सोमैटोस्टैटिन दोनों के लिए इनहिबिटर है। ओके, इसे मैं और क्लियरली समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैं दो चार शब्द लिखता हूँ, और उससे बेहतर कि मैं एक ऑब्जेक्टिव सवाल करूं, ठीक है, कि इंसुलिन डैश, पहला
आप इसे समझें। पहला, ब्लड में शुगर की मात्रा घटाता है। दूसरा, यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया को तेज करता है। तीसरा, यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को तेज करता है। चौथा, यह ग्लाइकोजिनेसिस की क्रिया को तेज करता है। ओके, आपको कहा इनमें से सही क्या है। अब मैं अगर ऑप्शन भी बना दूं, एक दो, एक चार, दो तीन चार, एक दो, एक तीन चार, कुछ भी, ठीक है, तो सही जवाब हमारा होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम इंसुलिन को देख रहे हों या ब्लड शुगर जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म को देख रहे हों तो उन टर्मिनोलॉजीज के संदर्भ में हमें इनके फंक्शंस को देखना चाहिए। क्लियर? तो हमने कहा एक वर्ड हमने यहाँ लिखा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसका कोई रिलेशन नहीं है ग्लूकोज के इस मेटाबॉलिज्म में। ग्लाइकोलिसिस जो है यह सेलुलर रेस्पायरेशन में आता है। सेलुलर रेस्पायरेशन की चीज है जहां पर कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, टूटता है पाइरूविक एसिड में, उसके बाद ही क्रेब्ज साइकिल शुरू होता है। ओके, तो ये तो श्वसन का हिस्सा था। ग्लाइकोलिसिस को यहीं पे आप खत्म करें, ग्लाइकोलिसिस को आप यहां पे अलग कर दें। ओके, अब बचे हमारे सामने टर्म ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोजिनेसिस। ये दो शब्द जो है, इन दो शब्दों को हम देखें कैसे क्या है यह। क्लियर? तो हमारे शरीर में बाबू ग्लूकोज है। हम कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? हमने कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी खाया तो इसका जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही है। और ये ग्लूकोज जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ब्लड में घुला हुआ होता है। क्लियर? ये वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जो है ये लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा शरीर में तो वो आपके लिए डायबिटीज मेलिटस की संभावनाओं को बढ़ाता चला जाएगा। और अगर यह एक निश्चित सीमा जो सामान्य तौर पर 110 एमजी पर डीएल डेसिलीटर जो होता है उसको पार कर जाए तो हम कहते हैं कि आदमी को डायबिटीज हो गई। ठीक है, तो ये ग्लूकोज हमने खाया, मान लीजिए कि 100 ग्राम ग्लूकोज हमने खाए, उस 100 ग्राम ग्लूकोज को शरीर से निकाला कैसे जाए या फिर ब्लड से दूर कैसे किया जाए? तो ये ग्लूकोज अपने आप को बदल लेगा ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन जो है ये वाटर इनसॉल्युबल शुगर है और ग्लूकोज जो है ये वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल ग्लूकोज था वह ग्लाइकोजेन में बदला। और ग्लाइकोजेन स्टोर कहां हो रहा है? लीवर में स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजेन। अब ग्लूकोज टू ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया जो है, तो मैं आपको सामान्य तौर पर कहूं जीनेसिस का अर्थ होता है बनना, सिंथेसिस या बनना। लाइसिस का अर्थ होता है टूटना, टू ब्रेक डाउन। ओके, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है,
तो इस तरीके से लाइसेंस टूटना, अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा है, यानी कि निर्माण किसका हो रहा है, तो ग्लाइकोजन का। इसे हम कह दें ग्लाइकोजिनेसिस, क्लियर। और ये ग्लाइकोजन जब अपने आप को बदल दे ग्लूकोज में, तो ये कब होगा, जब ग्लाइकोजन टूटेगा। और ग्लाइको टूटने को हम क्या कहते हैं, लाइसिस, ठीक है। तो इस क्रिया को हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्लियर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन दिस इज ग्लाइकोजिनेसिस, नॉट लाइसिस, जिनेसिस। ये बनने की क्रिया थी। तो हुआ क्या कि ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा, आपने बहुत ज्यादा ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज की जितनी एक्सेस मात्रा है वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो मेंटेन कौन करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया जो थी इसे कौन पूरा करेगा, इंसुलिन, ठीक है। और आप फास्टिंग में हैं, आपने कुछ नहीं खाया, तो इंटेक तो कुछ हुआ नहीं, तो सप्लाई ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड को तो घटा है उस समय। तो जब घटा है तो उस समय क्या होगा, ये ग्लाइकोजेन जो स्टोर्ड था ये टूटना चालू हो जाएगा। देखिए हम सिंपल कह रहे हैं कि फास्टिंग हमने की है, तो ये हमारा ग्लाइकोजेन जो है ये ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज में बदल जाएगा। ये ग्लूकोज में बदल कर हमारे शरीर को एनर्जी देता रहेगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी आदमी स्टार्वेशन में एक दिन में नहीं मरता है, कारण उसके शरीर की सारे जितने ग्लूकोज हैं पहले ब्लड के हुए खत्म होंगे, फिर ग्लाइकोजन गलता हुआ, कि ब्रेक डाउन होता हुआ वह ग्लूकोज में बदलेगा और वो समाप्त होगा, तब फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस होगा, तब प्रोटीन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, फिर उसके बाद फैट बदलेगा, टूटेगा, तब जाके। इसीलिए स्टार्वेशन में कोई भी आदमी एक दिन में नहीं मर सकता है। आपने देखा होगा गांधी जी ने वो यरवदा जेल, ठीक है, पूना में कितने 16 दिनों का शायद उपवास उनका था। अन्ना हजारे ने 13 दिन के उपवास रखे थे। तो ये उपवास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें कमी होती है शरीर में, ग्लूकोज की कमी है, लेकिन उस समय हमारा ये स्टोर्ड शुगर जो था, ये ग्लाइकोजन जो था, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज में बदल बदल कर हमें एनर्जी देता रहेगा, क्लियर। तो इन शब्दों को समझना आपके लिए जरूरी है। और ग्लाइकोलिसिस तो उसे बिल्कुल अलग ही हमने कर दिया, ये तो पूरी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन की चीज थी ना, ये तो रेस्पिरेशन की चीज थी, तो उसको हमने यहां से अलग कर दिया। हम ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन की मेटाबॉलिज्म में केवल अभी थे, तो हमने कहा कि अब बताइए, आप समझिए इस बात को कि इंसुलिन है, मैं इन सबों को मिटा रहा हूं, जो अलग की चीजें हैं मैं उसे मिटा रहा हूं, मैं केवल ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन को सामने रख रहा हूं, ओके। अब हमने एक्सेस ऑफ ग्लूकोज खाया, उस ग्लूकोज को ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया जाएगा, कौन करेगा, इंसुलिन, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है, तो ये क्रिया कौन करेगा, इंसुलिन। जब हम फास्टिंग में थे ब्लड शुगर लेवल गिरने लगा मेरा, क्योंकि हमने शुगर अलग से लिया नहीं है, और उस समय जब शुगर लेवल गिरने लगा तो शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने कहा ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में बदलेगा, तो ये क्रिया कौन करेगा, इसे कहिए ग्लूकागोन। अब आप समझे, तो हम क्या कहेंगे कि इंसुलिन ब्लड में शुगर की मात्रा घटाता है, सही बात है भाई, इंसुलिन ग्लाइकोजिनेसिस को तेज करता है, सही बात है,
इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को तेज करेगा या कम करेगा? तो कम करेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में नहीं बदलना है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया धीमी कर देगा और ठीक इसका उल्टा ग्लूकागोन कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लड में शुगर की मात्रा उसे बढ़ानी थी। तो हम इसे नट सेल में ये कह सकते हैं, इधर मैं अगर इंसुलिन लिख रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को धीमा करता है, इसके रेट को धीमा करता है, ग्लाइकोजिनेसिस के रेट को तेज करता है। क्लियर? ये इंसुलिन है। और इधर मैं लिखूं ग्लूकागोन तो मैं कहूं कि यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस टूटना, ग्लाइकोजन टूट रहा है तो इसके रेट को यह क्या करेगा? तेज कर देगा। क्लियर? अब मैं कहूं कि ग्लाइकोजिनेसिस बनने की क्रिया को यह धीमा कर देगा ताकि ब्लड में शुगर की आपूर्ति होती रहे। जो ब्लड में शुगर है वह ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा, ग्लाइकोजेन जो है वह शुगर में बदल जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चंस जो बनेंगे इसको लेकर अगर बनाता है तो एक लाइन का जवाब कि ब्लड लेवल को, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है घटाता है, पर्याप्त नहीं है, इसे समझना जरूरी है आपके लिए। ओके? और सोमेटोस्टेटिन के बारे में हमने ये कहा कि सोमेटोस्टेटिन ये इनहिबिटर का काम करता है दोनों के लिए ही, यानी कि आपके शरीर का डिमांड जो है शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी उपलब्ध है नहीं है, उस हिसाब से स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह हुआ इनहिबिटर का काम इंसुलिन के लिए और ग्लूकागोन के लिए, दोनों के लिए ही करता है। ओके? दैट्स ऑल।